कोल्ट ओएस 7.4 का रेडमी नोट 4 के लिए लेटेस्ट अपडेट आ गया एंड्रॉयड 11 का, और इस अपडेट के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। न्यू फीचर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं वो भी आपको यहां पे मिलते हैं जिनके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको सभी फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस या बैटरी में जो भी फ़र्क पड़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोल्ट ओएस 2021 यहाँ पे मिल जाता है, और एंड्रॉयड वर्जन के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो कोल्ट ओएस 7.4 टिप्सी मीडो अनऑफिशियल बिल्ड मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन 11 है और 1 अक्टूबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपका इसके अंदर स्लीपी का मिलता है जो कि पिछले अपडेट में सेम था, सेम ही मिलता है कर्नल अभी भी, और आपका जो सेलिनक्स है ये आपको इन्फोर्सिंग मिल जाता है। वहीं सेटिंग में चलते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर पहले क्या प्रॉब्लम था कि हॉटस्पॉट में जाते थे तो यहाँ पे एक क्लाइंट जो कि लिस्ट दिया गया है इसके अंदर हम नहीं जा पाते थे, प्रॉब्लम करता था। अभी ये फिक्स हो चुका है और यहाँ पे कनेक्टेड क्लाइंट या फिर ब्लॉक क्लाइंट आपको देखने को मिलते हैं जो कि ये फिक्स हो चुका है इस अपडेट के अंदर में। वहीं कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपका कास्ट बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है। और ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर जैसे कि हम जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर इसके अंदर मिलता है लॉन्चर, तो आपका बिल्कुल सेम पिछले अपडेट वाला ही रहने वाला है। यहाँ पे ऐप ड्रॉयर के अंदर आप हिडन ऐप जो कि मिलता है और अबाउट भी देखोगे तो सेम वर्जन है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ आपके लॉन्चर में। पिछले अपडेट में इसके बारे में बताया था। बाकी कोल्ट के जो कस्टमाइजेशन यहाँ पे दी गई है इसके अंदर आपको चेंजेस ज़रूर मिलती हैं, जिसमें से यहाँ पे आपका जैसे कि एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कुछ सेक्शन भी न्यू बने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्यूएस क्लॉक का जो सेक्शन है ये पहले नहीं था, जनरल के अंदर ही क्यूएस क्लॉक आता था जो कि अभी इसका अलग सेक्शन बन चुका था। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार से, चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो स्टेटस बार के अंदर आपका यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर के अंदर चेंज मिलता है, जिसमें आपका बैटरी जो कि लैंडस्केप ये आपको बताया था पहले ही, लेकिन यहाँ पे आपका जो बिग डॉट सर्कल मिलता है ये आपको न्यू मिल जाता है। बिग जो सर्कल दिया गया ये आपको न्यू मिल जाएगा, तो मतलब दो आपके ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिलने वाले, बिग डॉट सर्कल और बिग सर्कल। तो आप देख सकते हो ये वाला डॉट है और जो अभी लगाया था वो बिग सर्कल था, तो इस तरीके से दो आपको न्यू मिलने वाले यहाँ पे। और साथ साथ आपका कस्टम चार्जिंग सिंबल जो है ये भी आपको न्यू मिलता है इस अपडेट में, ये ऐड किया गया जो कि चार्जिंग टाइम शो करेगा आप अगर इनेबल करके रखोगे सेलेक्ट करके। और ट्रैफिक इंडिकेटर में आपके कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो स्टेटस बार का लेफ्ट एंड राइट साइड का जो पैडिंग दिया गया है जो कि आप स्टेटस बार पे देख भी सकते हो, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे, तो ये भी आपको यहाँ पे इस अपडेट पे ऐड हुआ है, तो ये एक आपको यहाँ पे न्यू मिल जाता है। और साथ साथ स्टेटस बार जो कलर दिया गया ये भी न्यू है, जिसमें सब डार्क मोड और लाइट मोड के लिए दिया गया, तो आपका बैटरी एंड टेक्स्ट कलर जो है उसको आप यहाँ पे कस्टम कलर चूज़ कर पाओगे। एंड नोटिफिकेशन आइकन कलर है जो कि डार्क पे कैसा होना चाहिए और लाइट मोड पे आपका ये इनका कलर जो है कैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ चूज़ कर पाओगे जो कि स्टेटस बार कलर्स के नाम से आपको मिलता है, ये न्यू मिल जाता है। वॉल्टी आइकन आपके पहले वाले रहने वाले हैं और बाकी के ऑप्शन भी नीचे जो है सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्विक सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका क्यूएस क्लॉक का न्यू सेक्शन बन गया जो कि पहले जनरल पे ही रहता था क्यूएस क्लॉक, लेकिन अब ये अलग हो गया। और इसका लोकेशन भी अब आपको न्यू मिल जाता है जो कि लोकेशन पहले नहीं था, सिर्फ इनेबल एंड डिसेबल कर सकते थे। और इसका जो पीएम एएम है ये भी पहले स्मॉल था, काफ़ी छोटा था, अब आपको बड़े साइज में मिल जाता था, ये चीज़ आपको मिलने वाला है। कस्टम हेडर आपका जो है यहाँ पे देखने को पहले से मिलता था, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है कस्टम हेडर का जो है हाइट एडजस्ट करने के लिए ऐड कर दिया गया इस अपडेट के अंदर में, जो कि काफ़ी यूजर्स को प्रॉब्लम होता था, तो यहाँ पे ये भी जो है ऐड कर दिया गया। तब अपने हिसाब से आपको हाइट कितना रखना है यहाँ पे आप जो है कंट्रोल कर पाओगे, तो इस तरीके से जो है आप हाइट को भी एडजस्ट आप जो है यहाँ पे कर पाओगे जो कि पहले नहीं था, तो इस अपडेट पे ऐड हो गया है। एंड नीचे चलते हो तो यहाँ पे डाटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिलता है, जिसको इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल नीचे देखने को मिलता है डाटा यूजर्स, पहले बिल्कुल टॉप पे था, लेकिन यहाँ पे आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे जो बैटरी एस्टिमेट देखने को मिलता है इसके नीचे पहले डाटा यूजर्स था, जिसमें डेली एंड मंथली सेलेक्ट कर पाते थे, यहाँ पे ऊपर आपको शो करता था पहले, लेकिन अभी जो है सिंगल इनेबल एंड डिसेबल ऐड हो चुका है यहाँ पे। और बाकी नीचे आपको यहाँ पे एडिट आइकन, सेटिंग्स आइकन और अरेंज सर्विस आइकन हो गया या यूज़र आइकन हो गया, चारों ही आपके न्यू हैं, जिनमें से आप इनको जो है यहाँ पे एडिट को, सेटिंग्स को, इन सबको आप हाइड एंड इनेबल कर पाओगे जो कि पहले ये चीज़ नहीं था, तो ये चारों ही आइकन आपको यहाँ पे न्यू ऐड हुए, जिनको आप यहाँ से आप इनेबल एंड डिसेबल भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे जो है और कोई चेंज नहीं मिलता, बस डाटा यूजर जो है ऊपर मूव हो चुका है यहाँ से, और कोई चेंज यहाँ पे नीचे में आपको नहीं मिलता है। एंड अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने जो कि हमारा बटन है, तो बटन में यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे आपका जो है वॉल्यूम स्टाइल आपको सेम ही रहने वाला है, आपका वॉल्यूम स्टाइल हो गया, पर है वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, डिफॉल्ट जो वॉल्यूम स्टाइल है वो भी आपका सेम ही रहता है, तो इसके अंदर आपको एक भी चेंज नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है।
नेविगेशन बार में अगर आप जाते हो तो नेविगेशन बार आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, साथ साथ हार्डवेयर बटन को भी यूज़ कर पाओगे और आपके नेविगेशन बटन में पिक्सल एनिमेशन भी मिल जाता है। और सिस्टम नेविगेशन के अंदर जाकर के आप जेस्चर भी यूज़ कर पाओगे और जेस्चर की जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिलती है वो आपको सेम ही मिलती है और जेस्चर भी इसके अंदर काम करता है बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप यूज़ कर पाओगे। इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। पावर मेन्यू भी आपका सेम रहेगा, एडवांस रिस्टार्ट एंड बाकी के ऑप्शन आपके सेम है। और नीचे जेस्चर मिल जाता है जिसमें आपका 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसके अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी आपका सब कुछ सेम रहने वाला है। बटन का सेक्शन पूरा का पूरा सेम है। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले आपको मिल जाता है जिसमें से यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता और लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे चलते हैं सिस्टम के अंदर में और यहाँ पे जो है आपका एनिमेशन के अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर पहले जो है जनरल सिर्फ था, लेकिन यहाँ पे आपका जो है अब नोटिफिकेशन हेडर बन चुका है यहाँ पे नीचे एक सेक्शन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हेडर में आपका जो है सेपरेटर जो कि दिया गया है, सेपरेटर इन हेडर जो कि नोटिफिकेशन हेडर का ग्रेविटी जो कि लेफ्ट एंड सेंटर एंड राइट आप कर पाओगे, ये दोनों ही ऑप्शन आपको न्यू मिल जाते हैं यहाँ पे। और क्लियर ऑल बटन का भी सेक्शन अलग बन चुका है जो कि पहले नहीं था। इसमें आपका क्या ऐड हुआ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लियर ऑल जो बटन है वो ऐड हो चुका है, इसका भी आप लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर कर पाओगे। और बाकी तो ये सब पहले से थे, आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन काउंट हो गया, क्लियर बटन, ये सब पहले से थे, इनमें आपको चेंजेस नहीं मिलता। और मीडिया पहले मीडिया नोटिफिकेशन ऑप्शन नाम से था, अब आपको मीडिया के नाम से देखने को मिलेगा और कोई चेंज हमें यहाँ पे नीचे देखने को नहीं मिलता है। और अब चलते हैं कॉल डेकोरेशन के अंदर में। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है कि डार्क थीम के अंदर अगर आप जाओगे तो इसका पूरा प्रीव्यू जो है वो चेंज हो चुका है। तब यहाँ पे डार्क थीम पे अगर क्लिक करोगे तो डार्क थीम अप्लाई हो जाता है, बस थोड़ा सा डिले सा है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत और नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मिलता है। तो डार्क एंड थीम लाइट जो है आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे मोनेट आपको मिल ही जाता है इसके अंदर में, वॉलपेपर बेस्ड, और कलर भी आप चूज़ कर पाओगे किस टाइप से कलर चाहिए आपको यहाँ पे, और एक्यूरेसी हो गया। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फॉन्ट भी आपका सेम है। लेकिन आपका जो क्लॉक स्टाइल है इसके अंदर आपको चेंज मिलता है कि दो क्लॉक स्टाइल न्यू है, ऑक्टावी का और यहाँ पे सेप शिफ्ट का। तो सेप शिफ्ट वाला आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, उस तरीके से आपका जो है ऑक्टावी वाला भी यहाँ पे मिल जाता था। दो क्लॉक आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे फिर और कोई चेंजेस नहीं मिलता। आपका स्टाइल जो कि स्विच स्टाइल सेम रहेगा और बाकी के ऑप्शन में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे आपका यही दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलती है, बाकी पूरी तरीके से आपके सेटिंग्स सेम रहेगी। और आपका जो वेदर है यहाँ पे ये भी आपका पहले की तरह मिल जाता है, बस यहाँ पे कुछ इश्यूज थे जो कि पहले से आपको इम्प्रूव किया गया, इसको बेटर कर दिया गया, तो आपका ये अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही। बस यही यहाँ पे आपको एक चेंज मिलता है वेदर के अंदर कि इसको जो है इम्प्रूव किया गया, बस यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे वेदर को इनेबल एंड डिसेबल जो है आराम से हाइड कर पाओगे यहाँ पे, और कोई चेंज जैसे कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस के अंदर आपका जो गेमिंग मोड मिलता है ये फिलहाल बिल्कुल सेम रहेगा पहले वाला ही, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। परफॉर्मेंस लेवल अभी भी सिलेक्ट करने के लिए आपको मिलता है। अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग का जो ऑप्शन है ये आपको न्यू मिल जाता है इसके अंदर में। अग्रेसिव बैटरी, ये सारी चीज़ें पहले से थे, स्लीप मोड भी और बाकी के जो ऑप्शन मिलते हैं ये भी जो है पहले से ही थे, तो इनके अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। चार्जिंग एनिमेशन भी पिछले अपडेट में आपको बताया था, ये सब पहले से था, इनमें कोई चेंजेस नहीं मिलता है। और अब चलते हैं बैटरी में। तो बैटरी की सेटिंग में इस अपडेट में तो कोई चेंज नहीं मिलता, लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो 4 आवर नॉर्मल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 60% जो है ब्राइटनेस बैटरी जो है हमें यहाँ पे बची है, और पिछले अपडेट में 61 थी, यानी कि आपका सिमिलर है बैटरी, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पहले जैसा है। और डिस्प्ले की सेटिंग्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिस्प्ले की जो सेटिंग्स है पूरी वो आपकी सेम रहने वाली, इसके अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता किसी भी ऑप्शन के अंदर में। और साउंड के अंदर जाओगे तो इसके भी सेटिंग्स के मामले में आपको बिल्कुल सेम ही रहने वाला, हालांकि डायरेक्ट साउंड एनहांसर अभी भी मेरा काम नहीं करता, बाकी सेटिंग्स पूरी सेम ही रहेगी जैसे कि पहले थी। और सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलता, फेस अनलॉक, आपका ऐप लॉकर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आप यहाँ पे स्पीड भी देख ही सकते हो कि ये जो है आपका जो फेस अनलॉक है या फिर फिंगरप्रिंट है दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं और बिल्कुल फास्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सेटिंग्स जैसे कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। और डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट ये फिलहाल हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और सिस्टम में जैसे कि लास्ट में अपडेटर जो कि डेवलपर ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी यहाँ पे वन प्लस लाइक आपका यहाँ पे जो है QS पैनल को जो है कर दिया गया, थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, पहले जैसे वैसे फील आएगा, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे आपका जो टाइल्स है इसके अंदर भी आपको चेंजेस नहीं मिलता, मतलब कि आपकी जो टाइल्स है सेम रहेगी। FPS इन्फो आपको मिलता है इसके अंदर में जो कि काम करता है, और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसकी सेटिंग्स भी सेम रहेगी। और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें तो वो आपका यहाँ पे स्मूथ है, जैसे कि पिछले अपडेट में स्मूथ था अभी भी स्मूथ है। और इसका जो ऐप ओपनिंग है इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलता, ऐप ओपनिंग जो है काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, तो यहाँ पे ऐसा कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको नीचे स्क्रीनशॉट मिलता है लेकिन आपके स्टेटस बार पे ही शो करता है, बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाता है और साइड में क्लियर हो रही है।
एंड कैमरे की बात करें तो MIUI का कैमरा मिलता है, पैनोरामा मोड आप यूज़ कर पाओगे, बस आपका जो डिवाइस वाटरमार्क है वो इसके अंदर में काम नहीं करता, लेकिन पैनोरामा मोड आप यूज़ कर पाओगे, यानी कि कैमरा भी आपका सेम रहेगा और GCam जैसे कि आप यूज़ कर ही सकते हो। इसके अंदर में एडवांस कंट्रोल भी मिल जाता है यहाँ पे, और जैसे कि डॉल्बी ऑडियो भी आपको इसके अंदर मिलता है, बस ईयरफोन लगाना, ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। और FM यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और ये वाला FM आपका काम करता है, पहले जो है प्रॉब्लम था लेकिन ये वाला आपका ईयरफोन लगाते ही बिल्कुल वर्किंग मिल जाएगा। और मैसेजिंग ऐप को भी यहाँ पे आइकन जो इसका है अपडेट किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में ऐप अभी फिलहाल आइकन जो है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये अपग्रेड किया गया है, आइकन पहले से चेंज मिलता है। वहीं अगर हम प्ले स्टोर में चलते हैं तो प्ले स्टोर आपका यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं मिलता है पहले की तरह, पहले भी नहीं था, तो इसके लिए आपको रूट करके करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो आप देख लेना। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्ट ही काम करता है, वीडियो कॉल आप यहाँ पे कर पाओगे, बाकी आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो है मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर जाता है। और इसके अंदर जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, रिकॉर्ड करने के बाद जो है सुना बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड एंड्रॉइड स्कोर 1,570 मिलता है, जबकि पिछले अपडेट के अंदर हमारा 1,03,000 था, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इतने में, तो सिमिलरली आप समझ लो कि एंड्रॉइड स्कोर भी मिलता है। अब बात करें ग्राफिक की, तो ग्राफिक भी जैसे कि सेम ही रहेगा जैसे कि बाकी में हमें मिलता था रोम्स में, तो सेम बिल्कुल स्मूथ एंड हाई, और स्मूथ एंड हाई पे और बैलेंस पे मीडियम पे मिलता है, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पहले जैसे जैसे कि ठीक ठाक पहले भी मिल जाता था आपको परफॉर्मेंस, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, तगड़ा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको मिल जाएगा कि आराम से आप जो है गेम खेल पाओ, ज़्यादा आपको बेटर की अगर उम्मीद है तो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन हाँ पहले जैसे ही अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो आपकी बिल्कुल सेम रहती है, बैटरी भी आपकी सेम ही है और एंड्रॉइड स्कोर भी उसे सेम ही मान सकते हो, ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको देखने को उतना बड़ा कोई नहीं मिलता है। और अगर आप ओके गूगल यूज़ करते हो तो उसका बग आपको मिलेगा, वो जो है यहाँ पे काम नहीं करता, बाद में जो है टेस्ट किया था गूगल इंस्टॉल करके तो उसका बग यहाँ पे मिलता है, वो जो है काम नहीं करता। बाकी यही सारी चेंजेस थी जो कि हमें इसके अंदर में मिल जाती हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।